किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाहते हैं तो स्टॉक को पूरी तरीके से रिसर्च करना, उसके बारे में उसको एनालाइज करना आपका एक धर्म बन जाता है। अगर आपने बिना एनालिसिस के, बिना रिसर्च के कोई भी स्टॉक ऐसे ही पिक कर लिया कि कहीं से कोई रिकमेंडेशन आ गई, कहीं से कुछ टिप आ गई, तो वो चीज़ आपके लिए घातक भी हो सकती है। एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के वक्त क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, जानेंगे आज के इन कुछ पॉइंट्स में। नमस्कार, मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वेस्टिंग गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का आपका गोल क्या है। स्टॉक मार्केट में कई तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आते हैं, उनको क्विक मनी बनाना होता है, कुछ आते हैं जो साल डेढ़ साल में रहते हैं मार्केट में, उसके बाद अपना मुनाफा लिया और निकल लिए, या फिर मुनाफा लिया और री इन्वेस्ट किया। और फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जिनका मिड टर्म गोल होता है 5-7 साल के आसपास का, उनको कोई चीज़ लेनी होती है तो उसको एम बनाकर वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और 7-8 साल में, 5-7 साल में जब भी उनका कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, हो सकता है पहले ही हो जाए, हो सकता है थोड़ा बाद में हो, तो जब उनका पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। और लास्ट में कुछ चुनिंदा दिग्गज लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में आते हैं, बस बने रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, असली पैसा वो बना के ले जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा शेयर मार्केट से पैसा बनता है, ये पता सबको है, अप्लाई कोई नहीं करता है। तो आपको अपना गोल पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस गोल के लिए शेयर मार्केट में और कितने टर्म के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शेयर मार्केट में कितने वक्त के लिए आना है और किस गोल के लिए आना है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे वोलेटिलिटी एंड रिस्क। स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त कई निवेशकों को लग सकता है कि स्टॉक मार्केट में आज मैंने 100 रुपये लगाए और वो कुछ टाइम बाद जो है वो 200, 400, 500 ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे नहीं चलता है, वो हमेशा ऐसे 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 से चलता है, ज़िगज़ैग कंडीशन। तो शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है, रिस्क कहीं ना कहीं रहता ही है। पूरी मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको हाई रिटर्न देते हैं, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी इतनी हो जाती है कि किसी दिन वो आपको 20-25% का रिटर्न एक दिन में दे देंगे, लेकिन किसी दिन अगर वो गिरे तो वो गिरावट शायद कुछ नए इन्वेस्टर झेल नहीं पाएंगे और वो लॉस में एग्जिट कर जाते हैं। तो वोलेटिलिटी और रिस्क को समझना है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है और अगर आपको लगता है कि ये रिस्क टेम्परेरी है, आज का रिस्क कल का रिवॉर्ड हो सकता है, तो आप उसमें बने भी रह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, उसी के हिसाब से लोग अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन करें या नहीं। अब देखा जाए तो ऐसा कोई थंब रूल तो है नहीं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए या किसी एक सेक्टर में आप पैसा नहीं लगा सकते। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक आध सेक्टर में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो सटीक पार की नज़र वाले होते हैं और वो उन सेक्टर से पैसा कमा के निकल जाते हैं, लेकिन हर कोई इतना प्रो नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि आप 1-2-3 सेक्टर में नहीं बल्कि ज़्यादा सेक्टर में पैसे लगाएं और उन सेक्टर के भी अलग अलग स्टॉक्स में पैसे लगाएं, तब जाके आपका एक अच्छा खासा ठीक ठाक पोर्टफोलियो बन जाता है और आप एक सेफ रिटर्न की, एक एवरेज रिटर्न की, मतलब मार्केट में एक एवरेज रिटर्न आप कह सकते हैं 12-13%, 14%, इतने की उम्मीद आप रख सकते हैं। इतने की उम्मीद भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका मान लेते हैं 80%, 70% भी डिसीजन गलत हो जाता है ना स्टॉक पिकिंग में भी, और आप होल्ड करके रखते हैं सबको, तो भी आपको ये रिटर्न मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हो जाती है। क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने एक आध सेक्टर में पैसे लगा रखे हैं तो हो सकता है कि किसी दौरान वो सेक्टर ना चले लेकिन बाकी सेक्टर चल रहे हों, तो इसलिए वो चीज़ें एवरेज हो जाती हैं। अगर सारा ही आप एक ही सेक्टर में लगा देंगे तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल नेगेटिव में दिखाई देगा, आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। अगला पॉइंट आता है कि अपनी रिसर्च खुद करें। स्टॉक मार्केट में आपने बहुत लोगों को पैसा कमाते हुए देखा होगा और आपको लगता होगा कि काश ये लोग मेरे को कुछ टिप बता देते या ये मेरे को कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ला देते या स्टॉक पिकिंग में मेरी हेल्प कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी रिसर्च, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ बेस्ड इधर उधर, मतलब टिप पे, व्हाट्सएप पे कुछ जो चीज़ें आ जाती हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। आप देखो, पढ़ो, समझो, उसके बारे में खुद की रिसर्च करो, उसके बाद आपका दिमाग क्या कहता है उसकी सुनो। दिल तो आपको बोलेगा कि लगा दो यार, लगा दे, थोड़ा सा ही पैसा है, लगा देते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके कब ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा।
स्टॉक मार्केट में मैं आज आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ कि पहले अपने आप को एडुकेट करो उसके बारे में, फिर अपना टेस्ट लो छोटे अमाउंट से, और फिर जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। ये चीज़ अगर आपने पकड़ लेना तो जीवन में फेल होने के चांसेस 0.00001 इतना रह जाएगा। तो हमेशा खुद को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी डमी ट्रेडिंग में अगर आप जीत रहे हो तो उससे खुद का एनालिसिस ना करें, खुद को एक्सपर्ट मानने की गलती कभी ना करें। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में इतने छोटे में डिस्कस नहीं हो सकता है। तो बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस चीज़ को गांठ मार के रखें, ये आपके फायदे में ही जाएगी चीज़। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी में आपको मैनेजमेंट जरूर चेक कर लेना है कि उस कंपनी में मैनेजमेंट कैसा बैठा है। अगर वो मैनेजमेंट ऐसा है जिसके ऊपर पहले कभी कुछ एलिगेशन लगे हों, या हाल ही में कुछ उंगलियां उठ रही हों, या ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही हो कंपनी, तो भूल कर भी आपने उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। अपने रूल जो आप एक बार बनाएंगे उसको कभी खुद नहीं तोड़ना है। आपके लॉस में जाने के चांसेस आप खुद बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बनाए हुए रूल को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं ना तो उसमें नुकसान हमेशा आपका होता है। तो ये मैनेजमेंट वाली बात हमेशा ध्यान में रखना, और रूल वाली बात भी। अगला पॉइंट आता है स्टॉक के रिटर्न देखने का। अगर आप एक सेक्टर में निवेश कर रहे हैं और उस सेक्टर में दो तीन कंपनी और होंगी, आपको सिर्फ एक कंपनी में निवेश नहीं कर देना कि जिसका नाम आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे दिल के करीब कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उस सेक्टर की सभी कंपनियों के पास्ट परफॉर्मेंस चेक करने हैं और देखना है, एनालाइज करना है कि पास्ट में किसने कितनी सेल की है, किसका कितना ग्रोथ हुआ है, किसने कितना डिविडेंड दिया है, या इनके ऊपर डेट कितना रह गया है, कंपनी के कैश फ्लो कितने हैं, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना, सब कुछ अगर आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में, किस कंपनी ने बेवजह काम नहीं किया, या कौन सी कंपनी बेवजह बढ़ रही है। तो बेवजह बढ़ने वाली कंपनी में भी नहीं लगाना है और बेवजह काम करने वाली कंपनी में भी नहीं लगाना है। काम हो रहा है लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, जो एक एवरेज कंपनी आपको लगेगी अच्छी खासी कि हाँ इसमें काम भी हुआ है, इन्होंने सेल भी अच्छी करी है, इनका ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में इसका अच्छा भविष्य भी है, तो उस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये स्टॉक की परफॉर्मेंस देखनी भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में वैसे तो हम बहुत चीज़ देखते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो हम खास करके देखते हैं कि उस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास रहती है तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी कंपनी को डूबने नहीं देंगे, काम अच्छा कराएंगे, प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, तो कंपनी भी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। प्रमोटर की होल्डिंग के बाद आता है जनरल पब्लिक की होल्डिंग, मतलब उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह भी आते हैं। अगर किसी स्टॉक में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है तब तो वो कंपनी का स्टॉक ठीक ठाक ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस कभी भी ऐसे स्टॉक्स में पिक नहीं करते हैं कि जो पंप एंड डंप वाली स्कीम चलाते हों, या फिर जिनका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, या फिर जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज रहते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं बहुत ही सेफ चलते हैं काफ़ी हद तक। इसी के साथ साथ आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इन सबका मिला जुला पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो कह सकते हैं कि वो स्टॉक ठीक ठाक ही होगा। अगला पॉइंट आता है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप वाली कंपनी में तो आपकी वॉलेटिलिटी कम होती है, मतलब अगर उनका ग्रोथ भी होता है तो भी हल्का बढ़ता है, लॉस भी होता है तो कम गिरता है। मिड साइज वाली कंपनी में क्योंकि ग्रोथ का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो लॉस का ऑप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब स्मॉल साइज और माइक्रो कैप वाली कंपनी में ग्रोथ का ऑप्शन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो रिस्क का ऑप्शन भी बड़ा ही होगा। अगर कंपनी चली तो आपको 10x, 50x, 100x कुछ भी बना के दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी गिरी तो आपका 45%, 50%, 60% वॉलेटिलिटी की चपेट में आ सकता है, आपका इतना डाउन जा सकता है। तो रिस्क को समझ के अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट आता है डिविडेंड का। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने कमाए हुए प्रॉफिट को अपने पे रीइन्वेस्ट करती हैं और अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से कुछ नहीं देती, लेकिन वहीं कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि अपने प्रॉफिट में से खुद के लिए रीइन्वेस्ट तो करती ही हैं लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट बचा के अपने शेयर होल्डर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको बीच बीच में डिविडेंड भी देता रहे तो आप खास करके उन स्टॉक की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई कंपनी खुद ही ग्रो करे, मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ाती रहे, कंपनी का ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है, तो आपको कम डिविडेंड वाले या बिना डिविडेंड वाले कंपनीज भी चुन सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इनकम होती रहे डिविडेंड की तरफ से, तो आप ऐसे स्टॉक के पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं,
ऐसा कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने अपना अच्छा खासा अमाउंट ऐसे डिविडेंड पे आउट वाली स्टॉक्स में लगाया है जिनका साल भर का डिविडेंड उनकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा आता है और स्टॉक प्राइस जो अप्रिशिएट हो रहा है वो तो अलग ही है, वो तो चल ही रहा है। अगला पॉइंट आता है रेवेन्यू ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में आप सब लोग, मैं, हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो है कैपिटल बढ़ता रहे। तो कैपिटल हमारा कैसे बढ़ेगा? जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी अच्छा कब परफॉर्म करेगी? जब उसकी मार्केट सही चलेगी। तो आपको ये सारी रिसर्च भी कर लेनी है कि कौन सी कंपनी किस रेशियो से, किस स्पीड से बढ़ रही है और आगे इस चीज़ के कितने चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसके बारे में भी ज़रूर ज़रूर एनालाइज करें। और ये पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी उधार लेके इन्वेस्टिंग ना करें, खास करके न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है, उनको सब ने ये बता रखा होता है कि भाई शेयर मार्केट में तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है, 15-20-25% तक का रिटर्न आप निकाल सकते हो एक महीने में। तो इस चक्कर में क्या करते हैं न्यू इन्वेस्टर कि वो कहीं से उधार ले लेते हैं 10% पे, 12% पे, 15%। तो हो सकता है कि आप उस बॉल पे चौका, छक्का क्या अट्ठा भी मार दो, लेकिन अगर उस बॉल पे सिंगल रन ले लिया या फिर वो बॉल मिस हो गई, समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपका वो स्टॉक परफॉर्म कर जाए, तब तो निकल पड़ी, लेकिन कितनी बार हो गई? अगर वो स्टॉक नीचे आ गया, मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो गई, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया और वो स्टॉक नीचे चला गया 20-30%, कई बार तो बहुत ज़्यादा, तो आपको उसी लॉस में वो पैसा निकालना पड़ेगा, इवन अपनी जेब से और पैसा लेके उसमें डालना पड़ेगा और वो पैसा किसी भी हालत में आपको वापस देना होगा ही होगा। तो इस केस में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपका। इसीलिए शेयर मार्केट में केवल उतना ही इन्वेस्ट करें जितने आप अपनी जेब से लगा सकते हो, अपनी अर्निंग से लगा सकते हो, और सबसे पहले सीखें फिर लगाएं, जैसा मैंने पहले बताया। और लास्ट में एक पॉइंट जो कि बहुत बड़ा है, वो आज की वीडियो में क्या, वो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूँगा पूरी, वो भी छोटी पड़ेगी, वो है फंडामेंटल और एनालिसिस। हमेशा कितना आप कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना कम है, लेकिन जितना भी करें करें ज़रूर, और मन लगा कर करें, इन डेप्थ करें और हड़बड़ी भी ना करें। पहले ही कनेक्शन बना के स्टॉक का रिसर्च ना करें कि मेरा तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इससे दिल का कनेक्शन बना हुआ है। ऐसे आप करेंगे तो आप बायस हो जाएंगे, आप उसके बारे में अच्छी खबर ही पढ़ पाएंगे या अच्छा ही ज्ञान ले पाएंगे, बुरा आप सुन नहीं पाएंगे या फिर अपने नज़रों से आप हटा देंगे, आपकी नज़रें ही नहीं देख पाएंगे उस चीज़ को। तो न्यूट्रल होके हमेशा रिसर्च करें, फोकस्ड होके एनालाइज करें, और बस इतना ही कहूँगा मैं यार आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि न्यू इन्वेस्टर के लिए यही सब पॉइंट्स बहुत ही बहुत काम के थे। अगर आप एक आम इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो ज़रूर ज़रूर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें, बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से न्यू इन्वेस्टर्स को, आम इन्वेस्टर को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी हासिल मिलेगी, महत्वपूर्ण जानकारी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। मेरा नाम है अमित ढौंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।